हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में न्यूज़पेपर की चर्चा करते हैं और साथ ही में सीखते हैं कि इंग्लिश के यूसेज और वोकैबुलरी के प्रयोग। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है इलेक्शंस जो आ रहे हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पर होता क्या है कि सरकार क्या करती है कि बॉन्ड्स को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं उनको क्या करती है, मींस बेचती है। तो इससे क्या होता है, लोग खरीदते हैं। तो जब खरीदते हैं तो सरकार के पास क्या आता है, पैसा आता है। और जब पैसा आता है तो वही सरकार क्या करती है, यूज़ करती है। तो उसी के खिलाफ क्या किया गया है, एक प्ली यानी कि याचिका दायर की गई है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट टू हेयर प्ली अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स का मतलब एक तरह से पेपर टाइप में होता है भाई, और उसको जारी कर दिया गया। बोला गया कि आप इसको खरीदी, इसको जारी कर रही गवर्नमेंट, फिर आप उसको खरीद लो, तो सरकार के पास पैसा आता है। तो सुप्रीम कोर्ट टू हियर मतलब सुप्रीम, देखा जाए तो इसको आप पूरा करोगे तो लिखा रहेगा सुप्रीम कोर्ट इज टू हियर, मतलब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा किसके खिलाफ, जो बिक्री हो रही है किसकी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उनके खिलाफ। और NGO सिक्स स्टोन स्कीम्स अहेड ऑफ इलेक्शन इन की स्टेट्स, कह रहे हैं कि एक NGO है, NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि अभी दो स्टेट में, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जो इलेक्शन होने वाले हैं, कि उनको चलते ध्यान में रखा गया, तो इस वजह से इनके ऊपर क्या कर दिया जाए, ये जो स्कीम चल रही है इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए, ये बोला गया है। और मीन्स जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ऑनरेबल बोबड़े जी, उन्होंने इस बात के लिए अग्री कर दिया। नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखें तो हमारी जो न्यूज़ है, इंडिया हैज़ अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ सपोर्ट, मीन्स श्रीलंका की सपोर्ट के लिए इंडिया ने उसको क्या, एक आश्वासन दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। क्यों? क्योंकि मीन्स यूनाइटेड नेशंस जो मीन्स ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है उसके लिए ये सब हो रहा है। तो उसमें होना क्या है कि मीन्स कोई इशू है जो श्रीलंका का, तो उसमें सपोर्ट चाहिए होगा देशों का, तो वही इंडिया से बोल रहा है कि वो अपना क्या करें, इंडिया साथ है किसका, श्रीलंका का, ये बोला गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में भाई बहुत अच्छी चीज़ बोली है, एक कौन है हमारे, मीन्स नितिन गडकरी साहब हैं, मीन्स बहुत अच्छा काम करते हैं इन्होंने किया है। तो नितिन गडकरी साहब ने क्या बोला है कि रोड्स टू बी फ्रीड ऑफ टोल बोथ्स इन ईयर, कह रहे हैं कि जो रोड्स हैं ना वो फ्री हो जाएंगी, टू बी फ्रीड, वो खाली कर दी जाएंगी, टोल बूथ जो बनाए जाते हैं, टोल बूथ जो बनाए जाते हैं जहाँ पर टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है, वो खाली हो जाएंगे। सेज नितिन गडकरी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है। और GPS बेस्ड सिस्टम बीइंग पुट इन प्लेस, और GPS सिस्टम क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो कहने का मतलब हम क्या हो रहे हैं, एडवांस्ड हो रहे हैं, तो ये फ़ायदा है हम लोग का। और थोड़ा सा कॉलम्स में देख लेते हैं न्यूज़ भाई क्या है। तो कॉलम्स में वो ये बोला गया कि जो सूर्य कुमार है ना, सूर्य कुमार भाई कल चमके, और मीन्स इनकी वजह से क्या हुआ है, कुछ हद तक हमने मीन्स श्रद्धा ठाकुर और सूर्य कुमार की वजह से कल इंडिया जस्ट वन द मैच, फोर्थ जो मैच था उसको जीत गया। और बियानी लेट फ्यूचर ग्रुप है रिस्ट्रेन फ्रॉम गोइंग अहेड विथ रिलायंस स्टील, मतलब जो बियानी ग्रुप है, बियानी लेट फ्यूचर ग्रुप मतलब फ्यूचर ग्रुप है जो रिलायंस के साथ मर्ज होने वाला था, वो अब नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर कुछ बैन लगा है। नेक्स्ट कह रहा कि EU रेगुलेटर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, कि जो यूरोपियन यूनियन से उनके रेगुलेटर्स ने कहा जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो सेफ और प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट अगर देखें तो अरविंद सुब्रमण्यम जो है कुट्स एज अ प्रोफेसर ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया है। अब क्यों दिया है इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो ये तो हमारी की न्यूज़ आज की। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, और आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है किसके ऊपर बेस्ड है, आधार कार्ड के ऊपर बेस्ड है। कि अभी हमने दो दिन पहले न्यूज़ कवर की थी, तो उसमें ये बताया गया था कि लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, उनका आधार लिंक नहीं हो पाया, तो इस वजह से जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, उनकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं जो सरकार देती है, राशन वगैरह, तो उनसे लिंक ना होने की वजह से उनके राशन कार्ड क्या हुए हैं, कैंसिल कर दिए गए, तो इस वजह से उनको दिक्कत हो रही, तो उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं डिटेल में तो क्या बोला गया, क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ना।
ये बोला गया है कि आधार एज अ हर्डल, मतलब आधार मीन्स जो है वो किस रूप में, एक बाधा के रूप में, समस्या के रूप में क्या है, इन इफिशेंसीज, इन इफिशेंसी मतलब अदक्षता, अकुशलता किसको लेकर के, इन आधार प्रोजेक्ट, आधार प्रोजेक्ट में जो अकुशलता है, जो परेशानी है, जो हम असफल रहे हैं, वो क्या, शुड नॉट कम इन द वे ऑफ वेलफेयर डिलीवरी, वेलफेयर, तो कर जो आधार प्रोजेक्ट है ना उसमें जो कमियां हैं, वो जो वेलफेयर डिलीवरी हैं, मतलब कि जो समाज कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके बीच में इनको ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने ये बोला नहीं आना चाहिए, सजेशंस दिए हैं। आगे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे डिड द राइट थिंग, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को बड़ा अच्छा काम किया बाय टर्मिंग इसको क्या देकर के, एज सीरियस, मतलब इन्होंने क्या बोला था कि भाई ये सीरियस मुद्दा है, इन्होंने जेएस बोबड़े साहब ने इसको बोला था कि बहुत ही सीरियस मुद्दा है, तो राइटर भी कह रहा है कि इसको सीरियस बोल करके बहुत अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। द एलिगेशन बाय अ पेटिशनर दैट 3 crore राशन कार्ड्स वर कैंसल्ड फॉर नॉट लिंक्ड विद आधार डेटाबेस, कह रहे हैं कि, और आरोप कह रहे थे कि मीन्स पेटिशनर जो था जिसने याचिका दायर की थी, उसका मानना था कि 3 crore राशन कार्ड्स वर कैंसल्ड, मतलब 3 crore, मतलब 3 crore जो राशन कार्ड है वो क्या कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए, किस वजह से, क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं है, आधार का जो डेटाबेस है उससे लिंक नहीं है। दीज वर कनेक्टेड टू रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ्स इन सम स्टेट्स, और दीज वर कनेक्टेड, और ये किससे जुड़े हुए थे, उन रिपोर्ट से जुड़े हुए थे, स्टारवेशन इन सम स्टेट्स है ना, कि कई सारे जो राज्य हैं उसमें भूख की वजह से लोगों की डेथ हो गई, उन सबसे कैसे जुड़ा हुआ है ये करें। आगे अगर देखिए, बोला गया द यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम हैज़ बीन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन अ डेकेड, कह रहे हैं कि जो ये आइडेंटिफिकेशन वाली जो स्कीम है ना, ये एक दशक से पहले से, एक दशक लगभग होने को है, तब से है अस्तित्व में, फॉर मोर देन अ डेकेड। रिसेंट डेटा हैज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 90% ऑफ इंडियाज़ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हैज़ बीन असाइंड द आधार नंबर, कह रहे हैं कि इंडिया के जो एक हाल ही में क्या एक एस्टिमेशन अनुमान लगाया गया, उसमें ये बताया गया कि 90% ऑफ इंडियंस, उनके पास क्या है, आधार कार्ड उन्होंने बनवा लिया है, और ये सारी चीज़ें हैं, बस केवल कितने 10% लोगों ने नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग द कोर्ट्स जजमेंट इन 2018 द अपहोल्डिंग द आधार प्रोग्राम एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि 2018 में ये केस चला, और इस केस में क्या निकला कि इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, कि मतलब नहीं, आधार कार्ड को एकदम मैंडेटरी नहीं बनाना है, और इंडिविजुअल प्राइवेसी किस वजह से, कि व्यक्तिगत किसके लिए, निजता के लिए, फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स एंड डिग्निटी है ना, और फोर मीन्स 4-1 का मेजोरिटी बेंच हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द रिव्यू पटिशन इन 2021 में इसके मतलब क्या हुआ कि आधार कार्ड को लेकर के पटिशन डाली गई, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। स्पेशली किसकी बात कर रही है, सरकार की बात कर रही है, कि उनकी बातों को रिजेक्ट किया गया था। आगे अगर देखें तो क्वेश्चंस जो हैं बता रहे हैं कि क्वेश्चंस अबाउट द स्कीम्स वैलिडिटी, मतलब ऑफ फॉर पब्लिक पर्पज़, मतलब कि जो पब्लिक है उसके उद्देश्य के लिए इस स्कीम की वैधता क्या है, हैव बीन पुट टू रेस्ट, मतलब इसको क्या कर दिया गया, किनारे कर दिया गया है। बट दैट हैज़ नॉट मेंट दैट कंसर्न अबाउट द फेल्योर्स इन द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट हैव अलेट, अलेट का मतलब कम करना, कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चिंताएँ हमारी हैं कि जो हमारे जो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है ना, वो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कम हुई कि नहीं है, उसमें जो असफलताएं आ रही हैं ना, हैव बीन अलेड कि मीन्स उनको कम किया गया है कि नहीं। देखो वे कह रहे कि कंसर्न अबाउट द फेलियर्स इन द यूज ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट हैव बीन अलेड कि उसमें थोड़ा सा क्या कम कर दिया गया है, मतलब दुख हमारे कम हुए हैं। इसको जरा मैं फिर से एक बार पढ़ दूँ, फेलियर्स इन द यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट हैव बीन अलेट है ना, कि मतलब इट डजेंट मीट द कंसर्न अबाउट द फेलियर्स ऑफ, हाँ मतलब जो चिंताएं जो बढ़ी हुई थी उनको कम नहीं किया गया है, इसका ये मतलब कह रहे हैं कम नहीं हुई है। आगे बता रहे, दीज इंक्लूड इनफिशियंसीज इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन अपडेटिंग लिंकिंग ऑफ आधार
बैंक अकाउंट्स, द यूज़ ऑफ आधार, पेमेंट ब्रिज, है ना, कह रहे हैं कि इन सब में सब क्या है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पर क्या इसकी हमको मीन्स अदक्षता दिखाई पड़ रही, प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब कि बायोमेट्रिक जो प्रामाणिकता है वो अपडेटिंग अपडेट करना, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट उनके साथ जुड़ना, और सॉरी यूज़ ऑफ द आधार पेमेंट ब्रिज, मतलब कि कई सारे आपको ये कर दिया जा रहा है कि आधार आपके पास है तो पेमेंट हो जाएगा, और साथ ही में क्या करना विद बेनिफिट्स अंडर PDS, PDS का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके गांव में कोटा वोटा बनाया जाता है उसको PDS बोलते हैं, द नरेगा एंड LPG सब्सिडी अमंग अदर क्या करें इनिशियल्स एसेंशियल्स, है ना, रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स टू हैव आधार नंबर, मतलब इन सब में क्या आधार नंबर माना जा रहा है, और इनफिशेंसीज एंड फेल्योर्स हैव लेड टू मीन्स इनकन्वीनियंस एंड सफरिंग फॉर द पुअर, इन्होंने लिखा है ना, द पुअर पर्सन नहीं सिर्फ द पुअर, तो ये द पुअर जो है, पुअर जो क्या होता है एडजेक्टिव, उसके पहले दा लगा देंगे तो ये क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है आपका कौन सा, है ना, कि तो कह रहे हैं कि ये जो अदक्षता जो हमको समस्या देखने को मिल रही है इसकी वजह से क्या होगा, सफ़र करेंगे कौन लोग, पुअर लोग, गरीब लोग। देर आर रिपोर्ट्स दैट शो फेल्योर्स इन ऑथेंटिकेशन, कह रहे हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट हैं वो जो दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं कि जो फेल्योर हुई, असफलता मिली, हम सफल नहीं हो पा रहे किसमें, ऑथेंटिकेशन हैविंग लेड टू डिलेज इन डिस्बर्सल ऑफ बेनिफिट्स, मतलब कि जो बेनिफिट्स उनको मिलने वाले थे उनका आधार लिंक नहीं हो पाया तो उनको कहाँ से मीन्स बेनिफिट मिलेगा, इन कई सारे केसेस में इन देयर डिनायल ड्यू टू, ठीक है, मीन्स डिनायल का मतलब उनको मना किया कि इसको कैंसिलेशन ऑफ लेजिटिमेट बेनिफिशियरी नेम्स, कह रहे कि मीन्स उनको उस बात से मना कर दिया गया कि वो लेजिटिमेट मतलब वैधानिक जो कैंडिडेट है वो नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं है, इस वजह से आगे बता रहे हैं, द गवर्नमेंट क्या बता रहे हैं, मेंट हैड प्रोमिस टैक्स एग्जम्पशन मैकेनिज्म दैट वुड अलाउ फॉर ओवरराइडिंग सच फेल्योर्स विल हेल्प बेनिफिशरीज स्टिल अवेल सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स डिस्पाइट सिस्टम फेल्योर्स, कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैड प्रोमिस, गवर्नमेंट ने वादा किया था कि कुछ जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें क्या छूट मिलेगी, दैट वुड अलाउ फॉर ओवरराइडिंग, जो कि अलाउ करेंगे कि हम ओवरराइड मतलब उसके ऊपर से निकल जाए, कहाँ से, फेल्योर्स सच एज फेल्योर्स विल हेल्प बेनिफिशरीज स्टिल अवेल सब्सिडी, है ना, कि ये सब क्या करेंगे, मदद करेंगे चीज़ों को अवेल कराने में, है ना, बेनिफिट्स डिस्पाइट सिस्टम फेल्योर्स, बजाय इसके कि सिस्टम फेल्योर्स हो गया उसके बाद भी। आगे देखें कि ये बताया गया दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट टू द रिसेंट पिटिशन एज वेल, मतलब सरकार ने भी जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई में क्या बताया है, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट्स सच एज झारखंड फ्रॉम 2017 फॉर एग्जांपल सजेस्ट दैट देयर हैव बीन स्टार्वेशन डेथ्स बिकॉज ऑफ डिनायल ऑफ बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज, मतलब कि ये अब इन्होंने झारखंड का एग्जांपल दिया, बोला उन्होंने 2017 में कि लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से मना कर दिया क्योंकि उनका आधार कार्ड लिंक नहीं था, इसकी वजह से क्या हुई, डेथ हुई, है ना, इसकी वजह से लोगों की क्या हुई, भुखमरी से डेथ हुई, ये कह रहे हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल्योर्स आर, है ना, कह रहे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन तो फेल्योर होते हैं बट एक्सपेक्टेड ऑफ लार्ज स्केल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट सच एज मीन्स UID, कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक का फेल होना कोई है बट एक्सपेक्टेड ऑफ लार्ज स्केल, बड़े जो पैमाने पर जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चलते हैं प्रोजेक्ट सच एज UID मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपका है ना मीन्स डिपार्टमेंट वगैरह उसकी बात कर रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग डिजाइन टू स्टोर फिंगर एंड आयरिस स्कैन ऑफ द मोस्ट यूजर्स डाउट्स अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ द ऑथेंटिकेशन एंड द जनरेशन ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स हैव ऑलवेज परसिस्टेड, कह रहे हैं कि मतलब एक तो ये फेल हो रहा है, दूसरा ये भी हो रहा है कि डिस्पाइट बीइंग डिजाइन टू स्टोर फिंगरप्रिंट्स लेता है, आयरिस स्कैन करता है यूजर्स की, डाउट अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ द ऑथेंटिकेशन, मतलब कि इनकी जो मीन्स डाउट हो रहा है किसके ऊपर, प्रामाणिकता के ऊपर, है ना, एंड द जनरेशन ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स, मतलब कि नेगेटिव्स हैव ऑलवेज परसिस्टेड, मतलब लोगों के जो नेगेटिव्स हैं ना उनको क्या वो हमेशा से बने रहे हैं, यहाँ पर मीन्स इन सब का माहौल रहा है, कह रहे हैं कि इन्होंने इतना बोला। साथ ही उन्होंने बोला मोर सो फॉर लेबरर्स एंड ट्राइबल पीपल, स्पेशली कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो मीन्स लेबरर हैं और जो ट्राइबल वगैरह में रहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम करती है, दोज इंगेज इन मैनुअल एंड हार्ड लेबर फॉर एग्जाम्पल आर ससेप्टिबल
टू फिंगर चेंजेस, मतलब कि क्या कर रहे हैं जो मैनुअल और हार्डवर्क करते हैं तो उनमें क्या होता है फिंगरप्रिंट वगैरह का उसमें बदलाव आ जाते हैं ओवर टाइम, है ना। इन प्रैक्टिस और प्रयास में क्या होगा, बेनिफिशरीज हैव टेंडेड टू यूज़ आधार कार्ड्स एज आइडेंटिटी मार्कर्स, है ना, कि मतलब कि जो बेनिफिशरीज हैं उनको बोला गया है कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी मार्कर्स के रूप में इस्तेमाल करो, बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ पीपल लूजिंग कार्ड्स एंड बीइंग डिनाइड मीन्स बेनिफिट्स, मतलब कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। किस वजह से, क्योंकि है ना कि मीन्स जो क्या बोल सकते हैं, उन्होंने आधार कार्ड अपना खो दिया है इस वजह से। तो आधार कार्ड अगर खो भी जाए तो भी आपको सुविधाएँ नहीं मिल सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसकी वजह से, कि राइटर के हिसाब से जो आधार कार्ड को इतना मीन्स कंपलसरी बना दिया गया है इसके लिए। आगे बता रहे, गिवन द स्केल ऑफ प्रॉब्लम, जैसा कि हम जानते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वुड डू वेल टू अल्टरनेटिव मीन्स आइडेंटिफिकेशन, है ना, कि मतलब कि सेंटर और राज्य क्या करेंगे कि एक अल्टरनेटिव विकल्प वाला कुछ बनाया जाएगा जिसमें ये दिक्कतें ना हो, दैट जेन्युइन बेनिफिशरीज आर नॉट डिनाइड द ड्यू सब्सिडीज, जिसमें एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जाए जहां पर उनके अधिकारों से उनको वंचित ना किया जाए, बेनिफिट जो उनको मिलते हैं उनसे उनको वंचित ना हो, ऐसी जगह मीन्स ऐसी सब्सिडी का इस्तेमाल किया जाए। द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड कैन स्टिल बी टेक एड्रेस्ड बाय द यूज़ ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड्स, कह रहे हैं कि अदर वेरिफिकेशन कार्ड्स हैं ना उनका इस्तेमाल किया जा सकता है किसको, क्योंकि फ्रॉड अगर कहीं होता है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बाय डिसेंट्रलाइजिंग डिस्बर्सल, डिसेंट्रलाइज का मतलब कि सेंट्रलाइज का मतलब पावर एक हाथ में रहना और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पावर कई सारे अलग अलग बटा रहना। तो कह रहे कि डिसेंट्रलाइजेशन डिस्बर्सल ऑफ सर्विसेज एंड द पंचायत लेवल, कह रहे कि जो सर्विसेज हैं उनको पंचायत लेवल तक पहुँचा दिया जाए जिससे समस्याएँ कम हो सकती हैं और सॉल्व की जा सकती हैं। तो इन्होंने ये बताया है ना कि आधार के बारे में, कि आधार को मैंडेटरी बनाने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रही हैं। लगभग 3 करोड़ लोगों को उनको जो खाना है उनके जो बेनिफिट्स हैं कोटा वगैरह नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो ये तो आज का हमारा एडिटोरियल था, है ना, जो हमने डिस्कस किया, न्यूज़ भी हमने थोड़ी देखी। तो ये आज का मीन्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीन्स विद न्यू न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।